दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आप पेंट शॉप कैसे खोलोगे। एक नया पेंट शॉप खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपकी शॉप मार्केट में है या आउटर में है। अगर आउटर में है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मार्केट में है तो आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा दोनों जगह। तो सबसे पहले शॉप का इंटीरियर एकदम अच्छे से बनवा लो, बोर्ड वगैरह बनवा लो, काउंटर बनवा लो, रैक बनवा लो। रैक की साइज मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, रैक की साइज ये रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं जो ऑयल पेंट है, जो वाटर पेंट है, उनके हिसाब से रैक की साइज आपको बता रहा हूँ। आपको पेंट रखने में आसानी होगी, और कौन सा पेंट कहाँ रखना है रैक में ये भी बाद में वीडियो बता दूंगा। आप इंस्टाग्राम में भी हमसे समझ सकते हो कि आपका दुकान पूरा भरा भरा लगे, इसके हिसाब से मैं पूरा आपको इंटीरियर भी बता दूंगा कि कम लागत में जो आपके पास मटेरियल आया है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे दिखा सकते हो कि आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें होगी, फिर आप मटेरियल खरीद लो हमारे दिए गए लिस्ट के हिसाब से। मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, अपने नियर जाओ होलसेलर के पास सबसे पहले, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। डायरेक्ट आप कंपनी से डीलरशिप ना लो, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मिला लो, नियर होलसेलर के पास जाओ। तो स्टार्टिंग में अगर आप नगद पेमेंट करोगे तो उनके पास क्रेडिट बनेगा, वो तो आपके ऊपर व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सारे प्रोडक्ट खरीद लाओ अपने शॉप में रखो। तो अब हमारा दुकान बनके रेडी हो गया है, मटेरियल आ गया है, काउंटर बनके रेडी हो गया, पूरा दुकान मेंटेन हो गया, दुकान का बोर्ड लग गया, सब कुछ हो गया। आप ये दुकान चलाएंगे कैसे, उसके पहले ये जान लेते हैं कि भाई लाइसेंस में आपको क्या क्या चाहिए। देखो फायर डिपार्टमेंट से आपको NOC लेना पड़ता है, वो बाद में ले लेना, स्टार्टिंग में आप दुकान थोड़ा चला लो, फिर आप फायर डिपार्टमेंट से NOC ले लेना। GST के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो GST नंबर ले लेना, और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर ले लेना। उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने का ये फायदा है, आपको बहुत सारी जगहों पे बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में। मैंने डिटेल में इस पे वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख लो। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है एक वीडियो बनाया उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, सारी डिटेल में बात की है। पसंद वीडियो जरूर आएगा, काफी लोगों ने पसंद किया है वीडियो को, 10,000 से भी ज्यादा लोग अब तक 17-20 हो गए होंगे। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो आप भी देख लेना, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो आप। बाकी फायर डिपार्टमेंट से मैंने बता ही दिया, ये सारी चीजें होगी, लाइसेंस का काम हो गया। तो अब हम जान लेते हैं शॉप को रन कैसे कराओगे। शॉप रन कराने के लिए देखो, एक तो होंगे कस्टमर आपके आएंगे, एक कस्टमर पेंटर के थ्रू आएंगे। तो आप अपने एरिया के पेंटर्स को पता करो कि कितने पेंटर आपके एरिया में है, तो सारे पेंटर से बात करो कि भाई हमारी नई शॉप है, उनको चाय पानी का थोड़ा खर्चा दे दो, जो भी होता है यार, जो जेन्युइन चीजें हैं वो बता रहा हूँ, चाय पानी का थोड़ा खर्चा दे दो और उनके साथ थोड़ा घुल मिल के रहो। और क्योंकि पेंटर की वजह से तो आपका शॉप चलेगा, तो उन्हें बताओ कि भाई हम आपकी वजह से हैं, तो आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करते हैं। कहीं नया काम, नया साइट डायरेक्ट मिल गया आपको, तो आप पेंटर को बुला के भाई दे दो, हेलो पेंटर भाई हमें नया साइट मिला, आप यहाँ जाके काम कर लो। तो मिलजुल के दोनों काम करोगे तो बेटर रहेगा। तो पेंटर से कॉन्टेक्ट में रहो हमेशा हमेशा। तो इस तरीके से आप बेसिक से पेंट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब पेंट बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, अगर इस फील्ड में आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो भाई पेंट बिजनेस बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, वैसे काफी दिन बाद बढ़ेगा। लेकिन अगर पेंट बिजनेस में ही आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ाना कैसे है, इस पे एक नया वीडियो आएगा। और जितना मैंने बेसिक स्टॉक लिस्ट दिया है, इसके अलावा आप क्या क्या बेसिक स्टॉक लिस्ट बढ़ा सकते हो जो हमेशा चलते हैं रनिंग आइटम, ये तो परमानेंट हमेशा ही चलेंगे। और भी काफ़ी पॉलिशिंग का सामान है, उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा कि पॉलिश के सामान में क्या क्या अपने शॉप में रखोगे। आगे और भी काफ़ी चीज़ें हैं पेंट बिजनेस से रिलेटेड आप कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, मुझे यकीन है कि आपको आ गई होंगी कि एक पेंट बिजनेस को कैसे रन कराना है, कैसे बेसिक स्टॉक लिस्ट से हमारे ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। तो यार देखो, बस मैं इतना कहूँगा, आप मेहनत जितना करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा, ये तो जायज़ की बात है। और अगर आपको इस फील्ड में जाना है, पेंट बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो चाहिए और इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करते रहना। लिस्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फटाक से आके लिस्ट ले लेना, बेसिक स्टॉक लिस्ट नया वाला, ये फिर से बता दे रहा हूँ, आप नया वाला बेसिक स्टॉक लिस्ट लिख के ही मांगना, नहीं तो मैं समझूंगा पुराना वाला मांग रहे हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा आपका। ये 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट लगभग है, आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड कर सकता है, 10-20 हज़ार इधर उधर, बाकी 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है ये जो बेसिक स्टॉक लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया नया वाला। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।